आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में जाना है और आपने कोई मेकअप लुक डिसाइड नहीं किया है, चिंता ना करें। हाय गर्ल्स, मैं हूँ सिमी और आज मैं आपको एक लॉन्ग लास्टिंग एलिगेंट मेकअप लुक दिखा रही हूँ जो आप इस वेडिंग सीजन एक ब्राइड्समेड के लिए अपना सकती हैं। तो आइए शुरू करें। स्टेप वन, अपनी स्किन को प्रिपेयर करें। बिना ज्यादा मेकअप किए नेचुरली ग्लोइंग स्किन पाने का तरीका ये है कि आप शादी अटेंड करने के 2 से 3 वीक्स पहले ही इसकी तैयारी शुरू कर दें। नाइट क्रीम का इस्तेमाल शुरू करें क्योंकि रात को हमारी स्किन खुद को तेज गति से रिपेयर करती है। मुझे ये क्रीम पसंद है, ये क्रीम मुझे नेचुरली ग्लोइंग रेडिएंट स्किन पाने में मदद करती है। इसे अपने चेहरे और गर्दन पर अप्लाई करें और हाथों को सर्कुलर अपवर्ड मोशन में घुमाते हुए इसे जेंटली ब्लेंड करें। इसके बाद मैं कुछ बूंद आर्गन सीरम लगा रही हूँ ताकि मुझे डीप नरिशिंग लुक मिले। इसे 2 से 3 वीक्स तक लगाएं और आपकी त्वचा फ्रेश और ग्लोई नजर आएगी। स्टेप टू, बेस सही रखें। अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करके शुरुआत करें, ये आपके चेहरे को हाइड्रेटेड और फ्रेश बनाएगा। और फिर प्राइमर लगाएं जो आपके चेहरे की सतह को चिकना बना देगा ताकि मेकअप अच्छी तरह लग सके। अब मैं ये फाउंडेशन लगा रही हूँ जो बहुत आसानी से ब्लेंड हो जाता है और लंबे समय तक चेहरे पर टिका रहता है, डांस करने के बाद भी। हम सब यही तो चाहते हैं, राइट? अब इस फाउंडेशन की कुछ डॉट्स लगाएं और अपने चेहरे के सेंटर से शुरुआत करते हुए बाहर की ओर ब्रश करती जाएं। ताकि इवन और फ्लॉलेस कवरेज मिले। और अब मैं कंसीलर लगाऊंगी क्योंकि मुझे डार्क सर्कल्स हैं और दूसरे प्रॉब्लम एरियाज को भी कवर करना है। अगर आपको इस तरह की समस्या नहीं है तो आप इस स्टेप को छोड़ सकती हैं। अपनी आंखों के नीचे इसे वी शेप में अप्लाई करें और दाग धब्बों पर डॉट्स बनाकर इसे अच्छी तरह ब्लेंड करें। और अब फिनिशिंग पाउडर लगाकर मैं फिनिश करूंगी। स्मॉल फ्लफी ब्रश का इस्तेमाल करते हुए इस पाउडर को अपने पूरे चेहरे पर लगाएं। इससे आपका फाउंडेशन लंबे समय तक टिका रहेगा। और अब बेस मेकअप फिनिश हो गया। स्टेप 3, आई मेकअप। आंखों के लिए मैं क्लासिक लुक चुन रही हूँ। मैं इस पैलेट का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें सारे वार्म और ब्यूटीफुल शेड्स हैं, जो वेडिंग ओकेजन्स के लिए परफेक्ट हैं। रोमांटिक स्मोकी आई क्रिएट करने के लिए मैं अपनी पूरी आईलिड्स पर डार्क मोका अप्लाई कर रही हूँ और अब इसी पैलेट से ऑरेंज को ट्रांजिशन कलर की तरह यूज कर रही हूँ ताकि ये सॉफ्ट नजर आए। अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं अपनी आंखों के सेंटर में पिंक का हिंट दे रही हूँ। आज मैं आईलाइनर की जगह काजल यूज कर रही हूँ। अपनी लैश लाइन के करीब बहुत बारीक लाइन बनाएं और स्मजिंग ब्रश से जेंटली स्मज करें। ये स्मजिंग आप निचली पलकों पर भी दोहरा सकती हैं। सुपर फ्लटरी लैशेस मस्कारा लगाना तो बहुत जरूरी है। इसे अपनी ऊपरी और निचली दोनों ही लैशेस पर लगाएं। और अब फाइनल स्टेप में मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। स्टेप 4, ब्लश लगाएं। लुक में जान डालने के लिए ब्लश लगाना बहुत जरूरी है। ये आपके गालों को गुलाबी और सुंदर दिखाता है। सॉफ्ट पिंक, पीच, क्रैनबेरी या लाइट कलर्स ऐसे शेड्स हैं जिनमें से किसी भी एक को आप चुन सकती हैं। स्टेप 5, लिपस्टिक अप्लाई करें। पिंक, रोज और बेरी लिप कलर्स सुंदर भी लगते हैं और सदाबहार भी हैं। अपने आउटफिट के हिसाब से लिप कलर चुनें और इसे अच्छी तरह लगाएं। मैं जो कलर लगा रही हूँ वो गहरा दिखेगा और लंबे समय तक टिकेगा और ये ट्रांसफर प्रूफ भी है, तो आप इसे लगाकर पानी या ड्रिंक्स भी पी सकती हैं। आपको चिंता नहीं करनी होगी कि ये ग्लास पर ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें वो सभी फायदे हैं जो मैं किसी मैट लिपस्टिक से पाना चाहती हूँ। न्यूड या बेज लिप कलर्स लगाना अवॉइड करें क्योंकि ये फोटोग्राफ्स में वॉश्ड आउट नजर आते हैं।
और लीजिए, मैं तैयार हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। बिग थम्स अप देना न भूलें और बी ब्यूटीफुल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ। बाय।